नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चंदौली, अपर पुलिस अधीक्षक सदर क्षेत्र अधिकारी पीडी देवनगर व थाना प्रभारी मुगल सराय व थाना प्रभारी अली नगर ने गुरुवार की देर शाम मुगल सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुगल सराय कस्बा मुगल सराय स्टेशन में भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। पैदल गश्त करते हुए एसपी ने आम जनमानस को सुरक्षा भावना का संचार किया। इस दौरान जगह जगह खड़े संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई। यह समाचार से पीडीडी नगर से मनमीत सिंह राजन की खास रिपोर्ट। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पे मुगल सराय थाना क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे पैदल गश्त की गई है। साथ ही साथ जो हमारी ओवरऑल प्राथमिकताएँ रहेंगी, सबसे पहले तो जन सुनवाई, जिसमें थाना अध्यक्ष लेवल से लेके हमारे स्तर तक प्रत्येक दिवस जो 10 से 2 का जो टाइमिंग है, उसमें सभी लोग अपने अपने कार्यालय में बैठ के लोगों की समस्याएँ सुनेंगे। साथ ही साथ इसमें समय से जो निस्तारण होगा और क्वालिटी डिस्पोजल, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों एंगल्स पे काम किया जाएगा। प्रिवेंशन में गुंडा गैंगस्टर 14-1 की कुर्की आपराधिक तत्वों के विरुद्ध और साथ में जो तस्करी की जो शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और डिटेक्शन के रूप में कोई घटना अगर संज्ञान में आती है तो उसमें तत्काल सीन ऑफ क्राइम को अटेंड करते हुए उसका जल्द से जल्द अनावरण कराया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेते ध्यान में रखते हुए उसमें जो पॉक्सो संबंधित केसेस होते हैं या 376 रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उनमें जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पैरवी करते हुए सजा दिलाई जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस का जो बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल और पुलिस की जो प्रेजेंस है पब्लिक के बीच में और पैदल गश्त के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। एंटी डोमियो स्पॉट्स को और अलर्ट किया जाएगा ताकि एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। मुगल सराय क्षेत्र में देखिए वाहनों का आवागमन बहुत ही अधिक रहता है, जो साथ में रोड का भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सख्त है और इसमें जो कुछ कुछ जगह काम भी चल रहा है। साथ में इसमें जो कुछ वेंडर्स हैं जिनसे वार्ता करते हुए वेंडर्स को जो पीछे करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ऑटोज और ई रिक्शाज हैं उनका व्यवस्थापन, स्पेशली जो रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया है क्योंकि जंक्शन है, बहुत लोगों का आवागमन रहता है, उसमें थाना प्रभारी को ट्रैफिक इंचार्ज को बता दिया गया है कि इसमें राउंड द क्लॉक ड्यूटीज रहेंगी। जो पुलिस का रोल रहेगा उसमें ट्रैफिक मूवमेंट 24/7 रहना चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए। और जो पार्किंग की व्यवस्था है कहाँ पर देखी जा सकती है वो टीम को बता दिया गया है, उसमें जल्द से जल्द और अच्छे सोल्यूशन के रूप में काम किया जाएगा। देखिए, अगर कोई कमी है तो उसको संज्ञान में लाया जाएगा, दोनों टीम को बिठा के एक ही रूप में काम किया जाएगा। और अभी तक हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आई, और अगर आती भी है तो ज़रूर, क्योंकि दोनों ही पुलिस का अंग है, उसमें दोनों को कोऑर्डिनेट कराते हुए आपस में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराते हुए उसमें इकट्ठे चला जाएगा।